आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा चिकन वेजिटेबल राइस की रेसिपी। ये फ्राइड राइस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सॉसेस नहीं डली हैं, नॉर्मल घर के मसालों से बनाया है जो बेहद ही आसान है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्यूब्स में सब सब्जी काटी हैं। आप इस तरीके से पत्ता गोभी काट लीजिएगा, हाफ पत्ता गोभी लिया हुआ है। दो गाजर ली हैं जिसे मैंने थोड़ा लंबा काट लिया है। क्यूब्स में शिमला मिर्ची काट ली है, ये मेरी एक से डेढ़ शिमला मिर्ची है। वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ मैंने क्यूब्स में प्याज ली है, दो मीडियम साइज़ की प्याज हैं। और क्यूब्स में ही टमाटर काट लिए हैं, आप इसके सीड्स अलग कर लीजिएगा और टमाटर को क्यूब्स में काट लीजिएगा। अब यहाँ तीन से चार हरी मिर्ची हैं और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, उन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यह हमारा 250 ग्राम चिकन है जिसे मैंने स्ट्रिप में काट लिया है, आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। यहाँ 2 चम्मच मैंने विनेगर डाला हुआ है और 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1/4 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला हुआ है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला है और 2 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। अब आप इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये हमारा इसका चिकन का मैरिनेशन तैयार हो गया है। थोड़ा हम मसाले लगा के रख देंगे तो चिकन में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि एक एक पीस में अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे, पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डाल के उसमें हमने जो मैरिनेट करा हुआ है चिकन वो इसमें डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाल बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो। और आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं, प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए हमारा चिकन कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसी चिकन के अंदर हम ये जो बारीक काटा हमने लहसुन, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और प्याज भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। हमें कोई भी चीज़ को पकाना नहीं है, सब सब्जियों का क्रंच बराबर रखना है, तो थोड़ा थोड़ा सॉटे करना है बस। खाली चिकन के अंदर ही हमने लहसुन और प्याज दोनों शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये रेसिपी इतनी शानदार है, आप बनाइए, आपको इतनी पसंद आएगी। और घर के मसालों से, घर के सामानों से ही बनाएं, आपको कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम ये गाजर शामिल कर देंगे, गाजर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से चलाइएगा ताकि सब मसाले आपस में लग जाएं, सबका आपस में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इसी के अंदर हम पत्ता गोभी भी शामिल कर देंगे, वो उसको भी अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। यकीन मानिए आपको इतना पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और अपना अच्छा अच्छा फीडबैक मुझे दीजिएगा। और आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। और ये रेसिपी इतनी अच्छी, चाहे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, चाहे आप लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। इसी में हरी मिर्ची भी डाल दीजिएगा। और छोटी मोटी पार्टी है या आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपकी किटी पार्टी है, आप उसमें भी बना सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा, अब हम थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट करने के लिए रख देंगे। एक्चुअली मेरी कढ़ाई छोटी पड़ गई थी तो मैंने दूसरी कढ़ाई चेंज कर दी है, बड़ी ली है। अब इसी के अंदर हम टमाटर भी शामिल कर देंगे
और इसी के अंदर हम शिमला मिर्ची भी शामिल कर दें। किसी भी सब्जी को पकाना नहीं है हमको, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है और उसका क्रंच बराबर रखना है कि एक थोड़ी सी हल्की सी क्रंचीनेस आने चाहिए हमारे उसमें। तो आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। और अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं खाली वेजिटेबल राइस, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस बहाने बच्चे भी खा लेंगे। देखिए ऐसे ढक के रख दीजिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए टमाटर और शिमला मिर्ची भी। अब हम फिर से इसको चेक करेंगे। इस बहाने आपके बच्चों के कम से कम सब्जी तो खाएंगे और इस सारी सब्जी उनके पेट में जाएगी। अब इसके अंदर हम एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और एक चम्मच रेगुलर लाल मिर्ची डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे और दो चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। अच्छा, मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आप कैसे खाना चाहते हैं, कितना ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। तो मिर्ची और नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने राइस को बॉईल करके रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, उसको भी शामिल करके हम मिला देंगे। मेरा एक कप राइस है, मैंने उसको एक कप राइस है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप कितना बना रहे हैं और कितने लोगों के हिसाब से बना रहे हैं या आपके कितना बनता है। मैंने एक कप राइस को बॉईल करके और ठंडा करके फ्रीज में रख के फिर रखा हुआ। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है तो आप लेफ़्ट ओवर राइस के भी बना सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आप फ्रेश के बना रहे हैं तो आप पहले से ही चावल को बॉईल करके उनको ठंडा करके रख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर चावल चिपकेंगे और टूट जाएंगे, ठंडे होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। आप बहुत ही मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल राइस रेडी है। आप घर के घर में रखे, किचन में रखे रेगुलर मसालों से बनाइए, खाइए। चलती हूँ दुआओं में, याद रख। अल्लाह हाफिज़।